let us discuss the concept of law of reflection and refraction. रे ऑप्टिक्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए और उसके कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से पता होना जरूरी होता है. मान लो मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है. ये सोर्स ऑफ लाइट क्या करता है, इट एमिट्स एनर्जी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. लाइट रे सब जगह पे ट्रैवल करता है. कोई भी आप देखो ना, बल्ब देखो तो लाइट सब जगह पे ट्रैवल करेगी, सन देखो सब जगह पे ट्रैवल करेगी. तो अभी ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक मीडियम होना चाहिए, फर्स्ट मीडियम, हमारे पास सेकेंड मीडियम होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम हमारे पास एक लाइट सोर्स होना चाहिए. तो लाइट सोर्स में से एक लाइट रे के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो यहां से एक लाइट रे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन. और यहां पे जो लाइट आप यूज करोगे दैट विल बी मोनोक्रोमैटिक. मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक वर्ड का मतलब होता है लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. तो इसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट. तो एनीवेज, तो यहां से हम लोग एक इंसिडेंट लाइट ले रहे हैं जो आईपी, ये इंसिडेंट रे हो गया हमारा. यहां पे हम लोग एक वर्टिकल बना रहे हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस एक्स वाई, इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल. और नॉर्मल हम लोग ने N1P N2 से रिप्रेजेंट किया है. अभी हमें बाकी की चीजें भी देखनी है. देखो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलेंगे आई. आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. अभी मान लो यहां पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता एक्स वाई पूरा का पूरा, है ना. तो अगर रिफ्लेक्टिंग होता तो ये रे रिफ्लेक्ट हो जाता आपका, तो ये होता आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. हम लोग दोनों केसेस एक ही इसमें देख रहे हैं, ठीक है. हम लोग रिफ्लेक्शन भी देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन भी देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर लेना. ओके, तो यहां पे अगर सेकेंड सरफेस यहां से एक्स वाई स्टार्ट नहीं होता तो ये जो रे वो अनडेविएटेड जाता, सीधा सीधा जाता, जो ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है. तो आई आई डैश ये रे का एक्चुअल पाथ होना चाहिए. लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग अगर आप मानते हैं तो इसके वजह से ये रे आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल पाथ से ये डेविएट हो रहा है. तो जो डेविएशन रिप्रेजेंट किया है वो डेल्टा डैश से रिप्रेजेंट किया है रिफ्लेक्शन के केस के लिए. अभी मान लो यहां से आईपी आपका पॉइंट पी तक आया, कोई दिक्कत नहीं. यहां पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एक लैंसिंग एंगल, जिसको थीटा जी से रिप्रेजेंट करते हैं. एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर, मोस्टली सीईटी काइंड ऑफ एग्जाम के लिए आता है. एनीवेज, तो यहां से ये पॉइंट है, ये अभी टूवर्ड्स नॉर्मल जाने की कोशिश करेगा. तो ये होगा आपका आईआर. तो आईआर है आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये टूवर्ड्स नॉर्मल जाने की कोशिश कर रहा है. एनीवेज, तो यहां पे एक काम करते हैं, अगर इसको आर बोल रहे हैं तो जो रिफ्लेक्टेड वाला एंगल है उसको आईआर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो नाम देना आप दे सकते हो. तो ये बन गया आपका आर, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये भी ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रहा है और ये जो डेविएट हो रहा है दैट इज डेविएटेड बाय डेल्टा. तो डेल्टा होगा आपका डेविएशन का एंगल इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन. एनीवेज, तो यहाँ पे मेरे पास ये सारी चीजें हो गई. वन बाय वन इसको देखते हैं डायग्राम्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके टर्म्स में. तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम फिगर एक्स वाई क्या है. आपके पास इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, तो दो मीडियम से मीडियम वन मीडियम टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन से रिप्रेजेंट किया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू से रिप्रेजेंट किया है. और ये रेयरर है और नीचे वाला जो है वो डेंसर है. तो डेंसर मतलब क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास सर्फेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. कंपेरेटिवली रेयरर आपको लेना है. ओके, तो एक्स वाई हो गया इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, आईपी हो गया आपका इंसिडेंट रे, पीक्यू हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, पीआर हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, N1P N2 आपका हो गया नॉर्मल, आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आईआर हम लोग ये केस में ले रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा जी को हम लोग बोल रहे हैं ग्लांसिंग एंगल, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन. सो डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन, डेल्टा डैश इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन, म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, म्यू टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू. और यहां पे हमारे पास म्यू टू की वैल्यू जो है वो म्यू वन से बड़ी है. तो ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन. अभी एक केस देखते हैं यहाँ पे. मान लो मेरे पास ऐसी एक ग्लास स्लैब है और ग्लास स्लैब में ये फर्स्ट रे है और ये पॉइंट पे गिर गया, मतलब यहाँ पे अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया सो इट इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्मल. तो यहाँ से फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में ये रे जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगेन यहाँ से यहाँ तक गया तो ये बनेगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बनेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो ये मीडियम टू से मीडियम वन में वापस आ रहा है ना, सो इट विल बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल. फर्स्ट केस में बेंट टूवर्ड्स नॉर्मल, सेकेंड केस में बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल. अगर ये म्यू टू नहीं होता या फिर ये मीडियम टू नहीं होता तो ये रे अनडेविएटेड जाता सीधा सीधा. तो यहाँ पे आपके पास ये जो डॉटेड लाइन है और ये जो सेकेंड रे, सेकेंड थर्ड रे जो है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट.
तो ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है. लैटरल शिफ्ट कभी कभी एग्जाम में निकालने बोलते हैं, तो हमें एक बेसिक आइडिया अगर पता है तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है.